सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीएनके एकेडमी के वीडियोज़ में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डीएनके एकेडमी, और आप सभी का स्वागत करता हूं क्या होता है कि इस सीरीज़ में। अभी आप सोच रहे होंगे शायद ये कोई नई सीरीज फिर स्टार्ट की गई है, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई नई सीरीज स्टार्ट नहीं की गई है। ये पिछली जो हमारी सीरीज थी आप पूछें हम बताएँ उसी सीरीज का संवर्धित और परिष्कृत स्वरूप है। देखिए, इसमें हमने कुछ चीज़ों में बदलाव किए हैं, कुछ इसका जो प्रेजेंट करने का तरीका है उसको चेंज किया है। पिछले वाले वीडियोस में हम क्या करते थे कि 2, 3, 4, 5, 10 तक क्वेश्चन एक जैसे होते थे, उन्हें हम एक साथ शामिल करते थे। अब इसमें चेंज किया क्या है, अब ये क्या होगा, एक एक टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा ताकि कम समय में अच्छे से और पूरी जानकारी एक टॉपिक के बारे में आपको मिल सके। आप अपनी जो क्वेरीज हैं, आप जिन सब्जेक्ट्स या जिन टॉपिक्स को जानना चाहते हैं उसको कमेंट में लिखकर हमें बता दें, हम उस पर ज़रूर अब वीडियो बनाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टॉपिक ऐसा हो जो छोटा हो और 5 से 7-8 मिनट के अंदर, जिसमें हम अच्छे से और पूरी चर्चा कर सकें। तो ये वीडियो है आज का, इसमें हम बात करेंगे KYC, यानी कि KYC क्या होता है, और जब आप बैंक खाता खोलते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट बनवाते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, कोई बीमा लेते हैं, तो आपसे KYC फॉर्म भरने को कहा जाता है। और या बैंक में आप गए होंगे तो वहाँ लिखा होता KYC, अपना KYC दीजिए, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी, या सिम लेते हैं। तो आखिर ये होता क्या है और इसका कैसे यूज़ किया जाता है और क्या इसका उपयोग है, बहुत डिटेल से इसकी बात करेंगे। इस वीडियो की PDF भी आपको मिल जाएगी, और PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.tcampsc.com को विजिट करना होगा। डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज DKMPSC एकेडमी जरूर लाइक करें ताकि आपको अपडेट्स मिल सकें। और एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा, जो भी आप एजुकेशनल वीडियो देखें, चाहे वो हमारे हों या किसी और टीचर के हों, तो निवेदन ये करूँगा कि आप उसको कृपया पूरा देखें। देखिए होता क्या है, आपने समय तो लगाया ही है, यदि आप उसे आधा देखते हैं, आधा छोड़ के चले जाते हैं, तो पूरा देख लेंगे तो संबंधित जो टॉपिक होगा उसके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी, जो निश्चित तौर पर आपके काम आएगी। और आधा देने से आपका समय भी बर्बाद हुआ और आपको बहुत ज़्यादा मिलता भी कुछ नहीं है। तो इसी निवेदन के साथ कि आप इसको पूरा देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहला जो जानते हैं आखिर KYC क्या होता है। देखिए, KYC का जो फुल फॉर्म है, नो योर कस्टमर, साधारण हिंदी में कहें तो अपने ग्राहक को जानिए। देखिए, बैंक और जो वित्तीय कंपनियां होती हैं, इस फॉर्म को भरवाकर अपने साथ कुछ पहचान के प्रमाण पत्र लेती हैं, जैसे आपसे आधार कार्ड मांगती है, आपके पहचान का रेसिडेंस प्रूफ के रूप में आपसे राशन कार्ड या बिजली का बिल या और दूसरी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपसे मांगे जाते हैं, जिसके जरिए वे अपने ग्राहक की पहचान की पुष्टि करते हैं कि आखिर भैया जो ग्राहक है वो है कौन, किस बैकग्राउंड से आता है, कहाँ का निवासी है, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो जानकारी लेते हैं। KYC अपने ग्राहकों की पहचान की पुष्टि के लिए एक व्यापार की प्रक्रिया है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी जो RBI है, इसने बैंकों के लिए ग्राहकों से KYC भरना अनिवार्य कर दिया है। अब किसी भी बैंक में आप खाता खुलवाएं या कोई भी इस तरह की कोई सेवा लें या सिम आप खरीदते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, सिम का संबंध RBI से बिल्कुल भी नहीं है, बैंकों का संबंध और वित्तीय संस्थानों का संबंध इससे है, लेकिन जो सिम लेते हैं उसमें भी KYC आपको देना पड़ता है, यानी कि नो योर कस्टमर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको देना पड़ता है और ये अनिवार्य है। KYC भरवाने का जो मूल उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य है कि ये सुनिश्चित करना है कि जाने या अनजाने में जो आपराधिक तत्व होते हैं वो बैंकिंग प्रणाली का अनुचित उपयोग अपनी गतिविधियों को के लिए तो नहीं कर रहे हैं, जैसे किसी कोई फर्जी डॉक्यूमेंट से कोई गलत खाता खोल लेता है, क्या करते हैं अपराधी, नकली पहचान और नकली पते बताकर खाता खोलने की भी कोशिश KYC द्वारा रोकी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा कि कोई जो इल्लीगल काम करना होता है उन्हें, तो क्या करेंगे, नकली व्यक्ति का पहचान लगा देंगे, नकली व्यक्ति का पता लगा देंगे, जैसे कि सिम में होता था इससे पहले तक और फिर उसका मिसयूज़ होता था, उसी तरह से जो वित्तीय अपराध होते हैं उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, इसमें अब नकली पता नकली पहचान के खाते होते तो फिर किसी को पकड़ना मुश्किल हो जाता, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए KYC नियम लगाए गए हैं।
बैंक भी अपने ग्राहकों को केवाईसी द्वारा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उनके वित्तीय लेन देन की समझ, उनकी ज़रूरतों को अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। बैंक में केवाईसी ग्राहक के पहचान, नाम, पते की पुष्टि के लिए फोटो, एड्रेस प्रूफ यानी पते का प्रमाण पत्र लिया जाता है, और ये सभी डॉक्यूमेंट जो होते हैं केवाईसी में गिने जाते हैं। बैंक में खाता खोलने, लोन लेने, लॉकर लेने, क्रेडिट कार्ड बनवाने, म्यूचुअल फंड खरीदने या बीमा लेने पर केवाईसी फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यानी ये सब जब काम अगर आप करना चाहें तो आपको आपको उसके लिए केवाईसी फॉर्म भरना होता है। बैंक में लेन देन के लिए खाता खुलवाने के लिए केवाईसी फॉर्म अनिवार्य है, बता ही दिया है। यदि आप फॉर्म नहीं भरते तो बैंक आपको खाता खोलने से मना भी कर सकती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप केवल बचत खोलना चाहते हैं या बहुत कम राशि रखना चाहते हैं या बहुत अधिक राशि उसमें जमा करवाना चाहते हैं, किसी भी बैंकिंग के लेन देन के लिए केवाईसी फॉर्म भरना अनिवार्य है। यानी कि आप कुछ भी लेन देन करें, आप खाता खोलें, तो उसके लिए आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो चलिए, ये वीडियो तो हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा है कि केवाईसी के ऊपर आपकी जो जानकारी है उसमें इजाफा हुआ होगा, आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ तो प्लीज़ लाइक जरूर करें हमारी वीडियो को, शेयर करें ताकि आपके और सभी दोस्त इसके बारे में जान सकें, और कमेंट करके आप अपने टॉपिक्स भी इसमें पूछ सकते हैं, साथ में हमें बता भी सकते हैं ये स्वरूप आपको कैसा लगा और इसमें क्या हम आपके लिए अच्छा कर सकते हैं। तो आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।